सर 11th 12th में मैथ्स नहीं है, लेकिन करनी मुझे सीए है। सर कैसे होगी, क्या पॉसिबल है? सर मैं क्लास 10th में हूँ, लेकिन मुझे सीए करनी है। मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत वीक है, तो 11th में मैथ्स लूँ या ना लूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में चल रहे होते हैं, राइट? अगर आप क्लास 11th 12th में हो और आपके पास मैथ्स नहीं है, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन सबका होता है कि सर क्या आगे जाके सीए कर सकते हैं, क्या मैथ्स कंपलसरी है सीए करने के लिए? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको बहुत ही छोटी वीडियो में देने वाला हूँ, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, आपके सीए फाउंडेशन में, आपको पता है कि सीए में आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल्स। तो अभी हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। सीए फाउंडेशन में एक एग्जाम होता है पेपर नंबर 3, ठीक है? पेपर नंबर 3 होता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब इसमें आपकी मैथ्स आती है, तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इस एग्जाम को क्लियर कैसे करेंगे? तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स तीनों मिला के आपके सीए फाउंडेशन में आता है 100 मार्क्स का। अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स की, जो आपके क्लास 11th और 12th में मैथ्स है, उसमें आती है आपके 40 मार्क्स। कितने मार्क्स का? ये 40 मार्क्स का। लेकिन मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि बाकी लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ तो वो आपका 20 मार्क्स का होता है और आपका स्टैटिस्टिक्स होता है 40 मार्क्स का। तो इसका मतलब 20 और ये 40, ये दोनों, इनका मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग सबके लिए नया है और बहुत आसान होता है, आप इजीली अगर सीए फाउंडेशन के टाइम पे प्रिपरेशन करोगे तो इजीली इसको कर सकते हो। और स्टैट्स 11th में इकोनॉमिक्स आपके पास है, थोड़ी बहुत स्टैट्स आपने वहां पढ़ी होगी, और बाकी सीए फाउंडेशन के टाइम पे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब 60 मार्क्स में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, इसका मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपके पास 11, 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आप ये 60 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अब बात करते हैं इस 40 मार्क्स की, तो क्या हम 40 मार्क्स बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर सकते? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको इसका प्रॉपर सिलेबस दिखाऊं, आपको मार्क्स के साथ उसकी वेटेज दिखाऊं, तो ध्यान से देखोगे, ठीक है? ये है आपका प्रॉपर वेटेज वाइज जब बिजनेस मैथ्स में आपके टॉपिक्स आएंगे। तो बिजनेस मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। सबसे बढ़िया बात पता क्या है कि बिजनेस मैथमेटिक्स में मोर देन 50% टॉपिक्स, ध्यान से सुन लो, 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं, 50% से ज्यादा टॉपिक्स आपके क्लास 10th तक के होंगे। मतलब 11, 12th में जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ कितना है, 40-50%। अगर मैं आपको टॉपिक वाइज दिखाऊं, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? कितने मार्क्स का? 20-30%। 40 मार्क्स का 20-30% कितना हो गया, ये 8-12 मार्क्स। ये क्या 11, 12th वाला नहीं, जो आपने क्लास 10 तक रेशियोज, प्रोपोर्शंस पढ़े हैं, वो सब चीजें, इक्वेशंस, जो आपके लीनियर इक्वेशंस और बाकी सब चीजें होती हैं। तो ये अगर आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास 11, 12th में मैथ्स नहीं है तब भी, उसके बाद आता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी 30-40%। 40 मार्क्स का 30-40% कितना हो गया, 12-16 मार्क्स। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th तक भी ये पढ़ा होता है। और अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, ट्रस्ट मी, जो आपको सीए फाउंडेशन में 4-5 महीने मिलते हैं वहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो या फिर कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आपने 11, 12th में मैथ्स नहीं ली। ऑफकोर्स जिनके पास मैथ्स है उनको एडवांटेज है कि उनको ये अच्छे से आते होंगे, उनका टाइम सेव होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। आपको थोड़ा सा एफर्ट और डालना पड़ेगा, लेकिन वो तो डालना ही पड़ेगा, राइट? उसके बाद आपका आता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस, और लास्ट में आपका है इंटीग्रेशन और कैलकुलस। अब ये जो 30-50% है इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, स्पेशली आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, राइट? लेकिन ये जो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये अराउंड आपके आते हैं 8-10 मार्क्स के। कितने? 8-10 या कभी कभी 12 मार्क्स के। अगर मैं इनको हटा दूं, 40 में से 30 मार्क्स की मैथ्स ऐसी है जो आप मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, आपको थोड़ा सा एफर्ट और डालना पड़ेगा लेकिन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम वापस चलें, इसका मतलब ये है कि ये 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग आप कर सकते हो इजीली, सबके लिए कॉमन टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास मैथ्स होगा उनको एडवांटेज होगी या जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको डिसएडवांटेज है। लॉजिकल रीजनिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्टैट्स आपने भी पढ़ा है और मैथ्स वाले बच्चों ने भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, राइट, और बाकी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती है, तो इन 60 मार्क्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 40 में से भी मैं कह रहा हूँ 28-30 आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप उस टाइम पे अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहो वो कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है आप वो देख सकते हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप जो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है, पेपर नंबर 3, इसको क्लियर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 100 में से आपको चाहिए कितने होते हैं पास होने के लिए, सिर्फ 40। आपको सीए फाउंडेशन में पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट में 50% से ज्यादा चाहिए, मतलब आपका सीए फाउंडेशन 400 मार्क्स का क्लियर करने के लिए 200 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं और पर सब्जेक्ट मिनिमम 40 चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट तो छोड़ो, अकाउंट्स है, लॉ है, वो सब तो है ही है, लेकिन ये जो मैथ्स है इसकी हम जो बात कर रहे हैं इसमें से आपको 100 में से 40 चाहिए। मतलब अगर आप लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स को अच्छे से कर जाओ, 60 मार्क्स को अच्छे से कर जाओ और थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ जाओ तो भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो सीए नहीं कर सकते। ये बात हुई सीए फाउंडेशन की, राइट, सीए फाउंडेशन में आपका ये मैथ्स आता है, क्या उसके बाद भी मैथ्स आएगी? आंसर इज अ बिग नो। आपके सीए फाउंडेशन के बाद मैथ्स आनी ही नहीं है। देखो, जो नॉर्मल आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो तो आना ही है ना भाई, वो तो कैलकुलेशन है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इंटरमीडिएट फाइनल वो तो अकाउंट्स में भी आते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर मैथ्स की, तो क्या वो आने वाली है? ना ही सीए इंटरमीडिएट में, ना ही सीए फाइनल में। मैथ्स आपकी सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम में आएगी और वो भी मैंने आपको बताया सिर्फ 40 मार्क्स की, तो घबराने की बात नहीं है, राइट। एक क्वेश्चन और है कि सर अगर मैं क्लास 10th में हूँ और मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो क्या मुझे 11th-12th में मैथ्स लेनी चाहिए? देखो, मैथ्स लेने का एडवांटेज ज़रूर होता है 12th के बाद। लेट्स से अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है तो आपको मैथ्स चाहिए होती है, लेकिन अगर आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मैथ्स में बहुत वीक हो, तो मत लेना। सिर्फ ये सोच के मत लेना कि मुझे सीए करनी है उसमें मैथ्स ज़रूरी है, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिर्फ सीए फाउंडेशन में 40 मार्क्स की मैथ्स है जो आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे मैनेज कर सकते हो, राइट। मैथ्स लेने के एडवांटेजेस हैं लेकिन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, राइट। सो आई होप जो भी आपके मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो आपके सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो सीए करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि अकाउंट्स के बेसिक्स बहुत वीक है तो मैं आपको ज़रूर बोलता कि हाँ सीए में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैथ्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 40 मार्क्स की मैथ्स है, आप क्लियर कर सकते हो। ओके, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी और डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।